नमस्कार, डेली डाई न्यूज में आपका स्वागत है। मुंबई इंडियंस ने सत्य भारत दोहराना शुरू कर दिया है। जी हां, आपको बता दें कि हार के बाद पटरी पर लौट चुकी मुंबई इंडियंस ने आज के केकेआर पे एक बड़ी जीत दर्ज करेगी और उस जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में आने वाला है बड़ा अंतर। जी आपको बता दें, अब केकेआर और मुंबई इंडियंस दोनों के पॉइंट हो जाएंगे 10-10। ऐसे में मुंबई इंडियंस के पास है अब सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका, जो एक समय असंभव लग रहा था। तो वहीं इस बड़ी जीत के बाद पॉइंट टेबल में राजस्थान रॉयल्स के लिए भी चांस बन जाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि 211 रन बनाने थे केकेआर को, लेकिन उसकी टीम लड़खड़ा गई और मात्र 100 से कुछ ज़्यादा ही रन बना के वो आउट हो जाएगी। ऐसे में जीत मिलेगी मुंबई इंडियंस को एक बड़ी, जिससे कि रन रेट में काफ़ी गिरावट आएगी केकेआर के, जिसके चलते होगा उन्हें बड़ा नुकसान। और कहा जा सकता है कि इस हार के बाद शाहरुख खान को लगेगा एक बड़ा सदमा, क्योंकि जिस हिसाब से टीम ने आईपीएल में जीतने की शुरुआत की थी, आसानी से सेमीफाइनल का सफ़र दिख रहा था, लेकिन आपको बता दें कि इस हार के बाद केकेआर को लगेगा बड़ा झटका। आपको बता दें, इस मैच में जहां मुंबई इंडियंस की तरफ से ईशान किशन के 62 रन, सूर्य कुमार यादव के 36, रोहित शर्मा कप्तान के 36 रन की बदौलत टीम ने 200 रन का बड़ा टारगेट बनाया था, तो वहीं इस टारगेट को चेस करने उतरी केकेआर में आज कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया। क्रिस लिन और आपको बता दें कि दिनेश कार्तिक आज काफ़ी असफल रहे, क्योंकि दोनों ही रन आउट होके वापस पवेलियन चले गए, जिनसे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी।